उज्जैन में हुई भारी बारिश, शिप्रा नदी का बड़ा जलस्तर। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से उज्जैन के घाटों की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी, कई मंदिर हुए जलमग्न। उज्जैन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं के लिए नदी में स्नान का लगाया प्रतिबंध। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून टर्फ के चलते उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश। उज्जैन के स्थानीय प्रशासन तुरंत प्रभाव से सुरक्षा के किए इंतजाम। आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों की तैनाती। उज्जैन से बड़नगर रोड को मिलाने वाले छोटे पुल के ऊपर से बह रहा पानी, पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवानों को भी किया गया तैनात। तमिलनाडु के डिंडीगुल में लगातार बारिश के बाद वराथ मनाथी बांध हुआ ओवरफ्लो, ड्रोन से आई तस्वीरें। डिंडीगुल के कावेरी का बढ़ा जलस्तर, अलर्ट मोड में प्रशासन। नवगछिया के इस्माइलपुर में पानी की तेज धार में बहे चीफ इंजीनियर, एनडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। चीफ इंजीनियर अनवल जमील गोपालपुर बिंद में हुए कटाव की सूचना मिलने के बाद बोट से स्थलीय जांच करने जा रहे थे, इस बीच वह बोट से गिर गए। समय रहते एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया। बगहा में गंडक नदी में बड़ा नाव हादसा, 6 लोग डूबे, स्थानीय लोगों ने सभी को बचाया। अहमदाबाद में हुई बारिश से सड़कों पर जलजमाव, राहगीरों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। बारिश ने खोली अहमदाबाद नगर निगम की पोल, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। अगरतला में बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाया गया फ्लड रिलीफ कैंप, हेल्थ चेकअप का भी किया गया आयोजन। चंडीगढ़ में हुई राहत वाली बारिश, मौसम हुआ सुहाना। मुंबई में हुई झमाझम बारिश, मुंबई वालों का वीकेंड हुआ खुशनुमा। मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए एमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 4 से 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने मुंबई के कई इलाकों के लिए जारी की एडवाइजरी, एसएमएस के जरिए लोगों तक पहुंचाए संदेश। पौड़ी और सतारा जिलों में विदर्भ के अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और गोंदिया जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, 64.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश की चेतावनी। बागेश्वर के कपकोट में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बागेश्वर में बारिश के चलते नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि, एक दर्जन सड़कों पर मलबा और बोर्डर गिरने से यातायात बाधित। मध्य प्रदेश में नर्मदा डैम का भारी बारिश के चलते बड़ा जलस्तर, नर्मदा डैम के खोले गए नो गेट, नर्मदा नदी में छोड़ा गया पानी। डैम का पानी नदी में छोड़े जाने से नदी का बड़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। डैम का अद्भुत नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग, लोगों ने कैमरे में कैद किया डैम का नजारा। त्रिपुरा में भारतीय वायुसेना लगातार चला रही राहत और बचाव अभियान, वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एयरड्रॉप किए 4,000 फूड पैकेट्स। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बाढ़ ग्रसित इलाकों से कर रही है रेस्क्यू, लोगों को मुहैया करवाई जा रही मेडिकल हेल्प। भारतीय एयरोस्पेस उद्योग में बड़ी उपलब्धि, देश का पहला रियूजेबल हाइब्रिड मोबाइल रॉकेट रूमी 1 लॉन्च। मोबाइल लॉन्च पैड से किया गया प्रक्षेपित, स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ विकसित किया रॉकेट। रूमी 1 रॉकेट के साथ भेजे गए 3 क्यूब उपग्रह और 50 पिको उपग्रह, इन सभी को 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर करेंगे स्थापित। रॉकेट के इंजन में तरल ऑक्सीडाइजर और ठोस ईंधन का उपयोग, कार्बन फाइबर फ्रेम से बनाई गई है बॉडी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से की मुलाकात। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज, तो जन्मभूमि की गई भव्य लाइटिंग। जन्माष्टमी को लेकर भगवान के लिए बनाई गई विशेष ड्रेस, सोम चंद्रिका पोशाक में दर्शन देंगे ठाकुर के शबदेव। जन्माष्टमी पर भक्तों की होने वाली भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला, दर्शन का वक्त बढ़ाया गया, 15 मिनट का मिलेगा अतिरिक्त समय। लेकिन जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कल जलाए जाएंगे 5251 द्वीप। श्री कृष्ण चबूतरा को दिया कारागार का स्वरूप। जन्माष्टमी पर सीएम योगी भी मथुरा आएंगे, भगवान का करेंगे विशेष दर्शन पूजन। गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा नाप शनाप बोलते हैं बीजेपी के नेता। मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, सभा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री ने किया सभा को संबोधित। वडोदरा में जन्माष्टमी के रंग में रंगे बाजार, बाजारों में बिक रहे काना के कपड़े और झूले। कठुआ में केवीके 13वीं साइंटिस्ट एडवाइजरी कमेटी की हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। तिरुचिरापल्ली में साउथ रेलवे और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने गुड्स यार्ड में किया मॉक ड्रिल, दुर्घटना के दौरान सतर्कता का किया आकलन। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में आए लोगों से सीएम ने की मुलाकात। संखाली में सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। मुंबई में उलेमा हिंद की हुई बैठक, वक्फ बोर्ड के मामले पर हुई चर्चा। पलानी में रंग बिरंगी लाइट्स जगमगाया, धनदायुत पानी स्वामी मंदिर, ग्लोबल मुजातिन मुथामिस मुरुगन के आगमन से पहले हो रही जश्न की तैयारी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 9 फायर अधिकारी कर्मचारी टर्मिनेट, फर्जी डिग्री मामले में पाए गए दोषी। भारतीय टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का बड़ा ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। टीम इंडिया के लिए उन्होंने 2022 के दिसंबर में खेला था अंतिम मुकाबला, इंजरी के कारण नहीं खेल पाए कई मैच। संन्यास के ऐलान के बाद शिखर धवन ने दिया भावुक संदेश, क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं। शिखर धवन ने संन्यास के ऐलान के बाद वीडियो किया जारी, अपने एक परिवार, बचपन के कोच, टीम इंडिया और बीसीसीआई को दिया धन्यवाद। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने शिखर धवन को दी बधाई, उन्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने वाला खिलाड़ी बताया। कोलकाता कांड में आरजी कार अस्पताल में जांच जारी, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 9वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ। कोलकाता कांड में हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट, संजय रॉय का कल होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। आरजी कर अस्पताल में पीड़िता के साथ मौजूद साथियों से भी पूछताछ, संदीप घोष और 4 जूनियर डॉक्टर समेत 6 लोगों का चल रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट। बीजेपी नेता लखन चटर्जी का टीएमसी पर आरोप, बोली बहुत सारी बातें जानता है संदीप घोष, ममता बनर्जी संदीप घोष को लेकर कर रही है राजनीति। कोलकाता कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की होनी चाहिए ईडी जांच। बदलापुर में आज से शुरू हुई 5वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, पहले दिन रही 20 से 25% छात्रों की उपस्थिति। बदलापुर में विरोध प्रदर्शन के चलते बंद किए गए थे स्कूल, प्रबंधन की ओर से छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाए गए सख्त कदम। बदलापुर कांड के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का धरना, शरद पवार और सुप्रिया सुले हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा पद में कोई रुचि नहीं, हमें राज्य में देना है अच्छा प्रशासन। उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने बदलापुर घटना को लेकर किया विरोध, किया मौन प्रदर्शन। यूपी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के 9 सदस्यों की घोषणा, बैजनाथ रावत को बनाया गया अध्यक्ष।
महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर एमएलए शिवराज ठाकरे का बड़ा बयान, बोले सरकार के दबाव में काम कर रही पुलिस। आरक्षण को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण और क्रिमिलियर को लेकर अभी साधे हुए चुप्पी। पश्चिम बंगाल मामले को लेकर हिमंता बिस्वा सरमा ने साधा निशाना, कहा जब नारी पर अत्याचार होता है तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भराड़ी सेंट कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपने ही नेता प्रतिपक्ष पर लगाया आरोप, कहा आपदा जैसे मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने नेशनल स्पेस डे के कार्यक्रम में की शिरकत, राष्ट्रपति ने देश के विकास में इसरो के योगदान को सराहा। अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान रचने की तैयारी कर रहा इसरो, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा इसरो। में चांद पर चंद्रयान 4 को भेजने का है इसरो का टारगेट, चांद से मिट्टी का सैंपल धरती पर लाएगा चंद्रयान 4। पणजी में 11वें सीएसआर समिट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत, सीएम ने सभा को किया संबोधित। दिल्ली में बार काउंसिल की नई बिल्डिंग का केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ने बार काउंसिल सदस्यों को किया संबोधित। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने प्रमोशन वर्कशॉप का किया उद्घाटन, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस में शुरू हुई वर्कशॉप। महिलाओं को वर्कशॉप में किया जाएगा प्रशिक्षित, बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। पटना में रामफल मंडल के शहीदी दिवस का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अहमदाबाद में 8वें धर्मधम्मा कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सभा को किया संबोधित। झांसी में महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की चल रही कवायद, सरकार की स्कीमों के तहत महिलाओं को दिया जा रहा रोजगार। महिलाएं सरकारी सहायता चला रही दुकानें, महिलाओं का सुधर रहा जीवन स्तर। गुजरात के सूरत में बनकर तैयार है डायमंड बिल्डिंग, हर महीने खर्च हो रहे करोड़ों रुपए। अब तक डायमंड बिल्डिंग में नहीं शुरू हो सका कारोबार शुरू होने से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ताकत। जम्मू के कठुआ में चिकित्सा विभाग ने एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन, डोर टू डोर सर्वे करने की टीम को दी गई ट्रेनिंग।